नमस्ते किसान, नमस्ते भारत। मैं हूँ किरण किसान, किसान पाठशाला के साथ। मैं हूँ आज महाराष्ट्र में, ये सोलापुर जिला है। और आपने देखा होगा ये मंदिर है नरसिंह भगवान का, नीरा के संगम पर। मित्रों, मैं एक बात करना चाहता हूँ। ये जो पूरा रीजन है, केला, गन्ना, अनार, पपीता, इसका एक बड़ा हब है। यहाँ पर बहुत सारा प्लांटेशन होता है केला का, गन्ना का। केले की अगर बात करें तो ये जो सोलापुर, एमोनी, करमाला, पंडरपुर, अकलूज, इंदापुर, ये पूरा बेल्ट केले का एक एक्सपोर्ट हब माना गया है पूरे भारत में। यहाँ से सबसे ज़्यादा अभी एक्सपोर्ट हो रहा है। इसका कारण है कि साल भर प्लांटेशन होता है और एक क्लाइमेटिक उनको एक सपोर्ट मिलता है। मतलब ये यहाँ का जो वातावरण है, एक पर्याप्त उनको वातावरण मिलता है केले के फसल को, इसलिए यहाँ पर चिलिंग इंजरी कम आती है। और कीपिंग क्वालिटी या फिर यहाँ के किसानों की मेहनत, उसका ही नतीजा है कि बहुत सारा एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा है। हम किसान पाठशाला एक मिशन लेकर यहाँ पर एंटर कर रहे हैं कि यहाँ से एक्सपोर्ट और ज़्यादा हो। मतलब एक वस्तु स्थिति यहाँ पर ऐसी है कि यहाँ पे अभी जो किसान केला खेती कर रहे हैं, 40-50% यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसका और एक्सपोर्ट और बढ़े, प्रमाण ज़्यादा बढ़े, कीपिंग क्वालिटी उसकी और ज़्यादा बढ़े, ताकि ये अरब कंट्री, रसिया या फिर यूरोपियन कंट्री में भी यहाँ का केला एक्सपोर्ट हो। इस तरह से हम कुछ किसान पाठशाला बी किसान टीम प्लानिंग कर रही है। हम यहाँ पर एक मिशन लेकर आए हैं कि यहाँ जो ग्राफ है 5x7, 5x9, 5x10 और जिगजैग पैटर्न में, मतलब 70-30 जो हमारा उद्देश्य है, ये जो हमारी तकनीक है किसान पाठशाला की, वो 70-30 से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो। मित्रों, केला एक ऐसी फसल है कि यहाँ पर हम जिस तकनीक से जा रहे हैं, हम किसानों को बोल रहे हैं कि एक ही बार आपको इन्वेस्टमेंट करना है और केले में 3 वर्षीय, 5वर्षीय या 10 वर्षीय योजना लेके चलना है। मतलब आपको एक ही बार प्लांटेशन करना है और कम से कम 3 से 4 साल, 5 साल वहाँ से आपको कटिंग करना है, प्रोडक्शन लेना है। इसका पूरा क्या गाइडलाइन है, मतलब क्या आपको इस तकनीक के बारे में और ज़्यादा जानकारी, इस तकनीक के जो हमारे प्लॉट है, यहाँ पर बहुत सारे प्लॉट लगे हैं, और इस तकनीक का एक उद्देश्य है कि केला किसान सस्टेनेबल हो। मतलब एक बार हम प्लांटेशन करें, फिर कटिंग करें, हार्वेस्टिंग करें, दूसरा पॉसिबल हो तो ले सके, या फिर वो पूरा खेत सफा करे और दूसरा फसल ले। मित्रों, जितना केला लगाने में खर्चा होता है, उतना ही फसल निकालने को और अपनी खेत स्वच्छ करने में उतना पैसा लगता है। लेकिन केला ऐसी फसल है कि आप एक बार प्लांटेशन करके उससे कई सारे साल आप उसकी जड़ी धीरी चौथा पाँचवा आप कटिंग ले सकते हैं और उससे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इस तरह से हमें चलना है। मतलब जो दूसरा तीसरा कटिंग आएगा वो पहले से ज़्यादा क्वालिटी का आएगा, उत्पादन आपका बढ़ेगा, मतलब जो टनेज आता है एक एकड़ में वो भी बढ़ेगा। इसीलिए हमें 3 से 5 साल मतलब प्लॉट चलाना है, तो इसके लिए 70-30 विधि सबसे बेटर है, सबसे अच्छी है। बहुत सारे प्लॉट लगे हैं और भी किसान बढ़ रहे हैं आगे, तो यही तकनीक के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र में हम चाहते हैं कि यही क्षेत्र से अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो तो आसपास के क्षेत्र में, मतलब भारत में जहाँ भी केला लगता हो, उनका भी उठाव मिले। एक्सपोर्ट यहाँ का अगर 25-30 रुपए एक्सपोर्ट मिले तो जो लोकल का है उनको भी कम से कम 10-15 रुपए रेट मिलता है। तो हम यही चाहते हैं कि जहाँ पर अच्छी खेती हो रही वहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, ताकि जो सेकंड नंबर का और लोकल का माल है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिले और किसान के उनकी आमदनी बढ़े, उनका इनकम बढ़े। यही उद्देश्य से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। जुड़े रहे किसान पाठशाला के साथ। मैं किरण किसान।